हे फ्रेंड्स, मैं हूं जेसन रवि और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वरुण धवन की फिल्म भेड़िया को रिव्यू करने वाले हैं। फिल्म रिलीज हाल ही में हुई है 3D में। भास्कर, प्लेड बाय वरुण धवन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का रोड कॉन्ट्रैक्टर है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में एक जंगल के बीच में से रोड डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो अपने कॉमेडियन कजन जनार्दन, प्लेड बाय अभिषेक बनर्जी के साथ वहां पहुंच जाता है। जंगल काट के रोड बनवाने के लिए ट्राइबल और लोकल लोग अग्री नहीं होते, पर समहाउ वरुण धवन उनके बच्चों और उन लोकल्स को रिश्वत देकर उन्हें मना लेता है। इसमें उसकी हेल्प दो लोकल्स, जोमिन प्लेड बाय पालिन कबाक एंड पांडा प्लेड बाय दीपक डोबरियाल, वो भी करते हैं। रोड डेवलपमेंट का काम शुरू होता है, वहां एक भेड़िया वरुण को एक एक्सीडेंट में काट देता है और जैसे तैसे उसे कीर्ति सैनन, जो जानवरों की डॉक्टर है, उसके पास लेके आते हैं। मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है। मुझसे भी नहीं। सेफ समझ के चुत्तर चला गया मेरे भाई का। पर वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। एवरीवन इज सरप्राइज्ड। जल्दी ही भास्कर रातों को, खासकर फुल मून नाइट को, पूरी तरह से भेड़िया बन जाता है और उसे कैसे भी वापस ठीक होना है। अब आगे क्या होता है, आप चाहें तो उसे थिएटर में देख सकते हैं। मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बट एडिंग समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू। फिल्म में दो अच्छे सोशल मैसेज भी हैं, जैसे हम एनवायरनमेंट को खराब कैसे कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट की कल्चरल डाइवर्सिटी, जिसे अच्छे से भी दिखाया गया है। इस फिल्म के क्रीचर VFX अच्छे हैं, फोटोग्राफी भी अच्छी है, एक्टर्स भी अच्छे हैं, डायलॉग्स भी अच्छे हैं। सिर्फ नगिन के पास लाइसेंस है क्या इच्छाधारी होने का? बस स्टोरी और स्क्रीन प्ले गायब है। फिल्म सिर्फ प्लॉट और डायलॉग्स पे चलती है, स्टोरी में कोई डेप्थ नहीं है और सीन्स हल्के और छिछोरे लगते हैं, इसलिए फिल्म जल्दी ही बोरिंग होने लग जाती है। बात की जाए एक्टिंग की, तो वरुण धवन ने इन द गिवंस अपना रोल ठीक से निभाया है। कीर्ति सैनन का स्क्रीन टाइम कम है फिल्म में, खराब विग्स के बावजूद भी शी एक्टेड डिसेंट इन द फिल्म। अभिषेक बैनर्जी और दीपक डोबरियाल असल में इस फिल्म के हीरो हैं, इन्हें हटा दो तो फिल्म 15-20 मिनट में बोरिंग हो जाएगी। इनका ह्यूमर टाइमिंग बहुत ही अच्छा है और वो अपने रोल को ब्रिलियंटली परफॉर्म करते हैं। फिल्म के राइटर हैं नीरेन भट्ट, फिल्म को डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने, जो आइकॉनिक फिल्म स्त्री के डायरेक्टर थे और फिर उन्होंने बाला भी बनाई, पर इस फिल्म में शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और स्टोरी स्क्रीन प्ले पे ध्यान नहीं दिया। फिल्म प्रोड्यूस की है जियो स्टूडियोज ने और मैडॉक फिल्म ने। ओवरऑल फिल्म एवरेज है। फिल्म में हॉरर कॉमेडी के बदले सिर्फ कॉमेडी दिखती है, वो भी कुछ खास नहीं, बच्चों के लिए ठीक ठाक है। मैं देता हूँ इस फिल्म को 2.5 स्टार्स और क्योंकि दृश्यम अभी भी सिनेमा घरों में मौजूद है तो इसकी बिजनेस रेटिंग होगी सिर्फ 2 स्टार। सो वेल भाइयों और बहनों, ये था हमारा फिल्म भेड़िया का रिव्यू। कैसा लगा आपको ये बताना। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को स्मैश करना और वरुण धवन के फैंस के साथ शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।